है दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपसे डीसी जनरेटर से रिलेटेड डिस्कशन किया था, तो मैं पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। सबसे पहली बात मैंने बोली थी कि एसी से डीसी कन्वर्जन के लिए हमें यूज करना पड़ता है कम्यूटेटर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इंड्यूस डीएमएफ होता है, चाहे फिर वो डीसी जनरेटर ही क्यों ना हो, इंड्यूस डीएमएफ हमेशा क्या होता है, एसी, और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाती है, डीसी, और ये डीसी बनती है कम्यूटेटर की वजह से। फिर मैंने बताया था कि रिपल रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल कॉइल्स को सीरीज में जोड़ना पड़ता है, व्हेन मल्टीपल कॉइल आर इन सीरीज, तो इससे रिपल कम हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो माइका इंसुलेशन होती है कम्यूटेटर में, वो 6 mm से 8 mm थिक होती है, ठीक है, और ये 30 से 40 वोल्ट तक हैंडल कर सकती है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है वी बी परपेंडिकुलर इनटू एल, सो वेरिएशन ऑफ बी परपेंडिकुलर विथ थीटा इज सेम एज वेरिएशन ऑफ ई विद ओमेगा टी, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था बी का हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट लिया जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, टेंजेंशियल नहीं लेते, क्योंकि टेंजेंशियल से कोई ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बारे में बताया था, वेयर पी इज द नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो इतना सब डिस्कशन हमारा लास्ट वीडियो के अंदर हुआ था, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आगे के चैप्टर्स में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ डीसी जनरेटर के लिए पता होना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है ये अभी आप लोग नहीं समझोगे कितना ज्यादा रेलिवेंट है, जब अलग मशीन्स की बात करेंगे ना तब देखने में मिलेगा कि ये पॉइंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि बी का वेरिएशन जो होता है वही वेरिएशन ईएमएफ का होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि रिपल रिड्यूस करने के लिए कि फ्लक्स डेंसिटी की जो वेव फॉर्म है वो साइनोसोइडल की जगह प्रेफरेबल है फ्लैट टॉप, ठीक है। तो डीसी मशीन में फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी चलती है, और वहीं एसी मशीन के अंदर हम लोग चाहते हैं किस तरह की फ्लक्स डेंसिटी, साइनोसोइडल, क्योंकि ईएमएफ भी हमें चाहिए साइनोसोइडल। यहां तुम चाहते हो जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट डीसी मिले, और उसे बनाने का बेहतर तरीका है ट्रेपेजॉइडल या फिर फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी, तो वो डीसी मशीन के अंदर यूज होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, हम बात करेंगे मोटर की। मैंने आपको एक बार एसी जनरेटर अच्छे से समझा दिया, डीसी जनरेटर बता दिया, अब मैं मोटर पे आ रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डीसी मोटर विद स्लिप रिंग। अगर डीसी मोटर में कम्यूटेटर ना लगाया जाए, क्या लगाया जाए, स्लिप रिंग। एसी मोटर की बात नहीं कर रहा हूं, यानी सोर्स क्या रखूंगा, डीसी ही रखूंगा, और उसमें बट कम्यूटेटर की जगह मैं यूज करूंगा स्लिप रिंग। अब देखो, जैसे जनरेटर्स में हम गए थे ना स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही यहां जाएंगे। पहले मैं क्या करता हूं, दो पोल्स बनाता हूं, तो एक हो गया अपना नॉर्थ पोल और एक हो गया अपना साउथ पोल, फिर बीच में एक कॉइल ले ली जाती है, ठीक है। अब ये जो कॉइल होती है इसका एक एंड मैं एक स्लिप रिंग से जोड़ रहा हूं, यहां पे कि मैं ब्रश भी दिखा दे रहा हूं, और दूसरा एंड दूसरी स्लिप रिंग से जोड़ रहा हूं, जिसमें कि मैं फिर से ब्रश दिखा रहा हूं, ये ब्रश वन और ये ब्रश टू, ब्रशेस स्टेशनरी रहेंगे, रिंग वन है, ये रिंग टू है। लेकिन इस बार देखो रेजिस्टिव लोड नहीं है अपने पास, अपने पास एक सोर्स जिसमें एक डीसी बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है। इसका अब क्या मतलब है, देखो फिर से मैं कंडक्टर दिखा देता हूं, ए बी सी डी, ये दो वायर्स हैं, ठीक है ना।
अब देखो ये जो बैटरी तुमने लगाई है ये तो करंट डिलीवर करेगी, यानी करंट की डायरेक्शन अब की बार फिक्स है आई, तो यहां से करंट आई एंटर करता है और यहां से करंट आई लीव करता है। यहां से एंटर करेगा तो इसमें जाएगा और दूसरे से लीव करेगा तो इधर से नीचे आएगा। अब देखो यहां ये मत सोचना ईएमएफ निकालना है वी क्रॉस बी से, जैसे जनरेटर में ईएमएफ निकालते हैं ऐसे ही मोटर में फोर्स या टॉर्क निकाला जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल आई डीएल क्रॉस बी, और इसमें मैंने ये भी बोला था ये जो डीएल वेक्टर होता है हैज सेम डायरेक्शन एज करंट। तो मुझे फोर्स की ना डायरेक्शन से मतलब है, मैग्नीट्यूड से अभी मतलब नहीं है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए मैं फिर से क्या करता हूं, एक्स वाई जेड एक्सिस दिखा देता हूं, एक्स वाई एंड जेड। अब देखो ए बी में जो करंट है ये माइनस ए जेड कैप में है और सी डी में जो करंट है वो अपवर्ड्स है यानी ए जेड कैप है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर माइनस ए जेड और ए जेड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है ना बी ए वाई, तो डीएल क्रॉस बी करोगे तो माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई, माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई क्या होगा माइनस ए एक्स, ए जेड क्रॉस ए वाई माइनस ए एक्स, तो ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स माने आउटवर्ड्स, तो इस पे फोर्स जो आएगा वो ए एक्स में आएगा आउटवर्ड। मैंने क्या किया है माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई, क्योंकि डीएल क्रॉस बी करना है ना तो करंट की डायरेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर करंट है ए जेड मैग्नेटिक फील्ड है ए वाई, ए जेड क्रॉस ए वाई माइनस ए एक्स, माइनस ए एक्स माने अंदर की तरफ। तो एक कंडक्टर पे फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और दूसरे कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो ये वाला कंडक्टर आगे आने की कोशिश करेगा और ये वाला पीछे जाने की, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये कॉइल है, इसका ये वाला हिस्सा ए बी है, ये वाला हिस्सा थंब वाला है सी डी, इस पे फोर्स आगे लग रहा है, इसको आगे पुल कर रहा है और इसको पीछे भेज रहा है। अब देखो जैसे मान लो इस हिस्से पे आगे की तरफ फोर्स लगाओ और इस पे पीछे की तरफ, तो कॉइल ऐसे घूमेगी ना, इस हिस्से पे आगे को खींचो और इसको पीछे की तरफ खींचो, तो कॉइल किस तरह से घूमेगी कि ए बी आगे आ जाएगा और सी डी चला जाएगा पीछे। मेरी बात समझ आई, ए बी कम्स फॉरवर्ड एंड सी डी गोज बैकवर्ड, तो इस तरफ रोटेशन कैसी हो रही है एक तरह से क्लॉकवाइज। अब देखो जब ये 180 डिग्री कॉइल घूम जाएगी तब क्या होगा, मैं बीच का 90 वाला केस नहीं ले रहा हूं, मैं कौन सा केस ले रहा हूं 180 डिग्री का, जब ये कॉइल 180 घूम चुकी होगी तब क्या होगा, तब ये सीडी आ जाएगा लेफ्ट में और ए बी आ जाएगा राइट में, ठीक है। ये ए बी वाला हिस्सा ये है सी डी, इधर आ गया ए बी, ए बी जुड़ा था रिंग नंबर वन से, और यहां ब्रश था बी वन, रिंग वन से जुड़ा हुआ था, सी डी जुड़ा हुआ था रिंग टू से, और ब्रश था बी टू। ये ध्यान रखना ब्रश स्टेशनरी रहते हैं, रिंग घूमती रहती है। अब नीचे क्या दिखाओगे, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, ऐसे ही तो दिखाया था हमने पहले भी, तो ये बैटरी तो अभी भी करंट ऐसे ही देगी, बैटरी करंट ऐसे देगी तो B2 में एंटर करेगा और B1 से लीव करेगा, यानी इस बार AB में डाउनवर्ड CD में अपवर्ड्स। फिर से फोर्स निकालना है, देखो इसका करंट ऊपर की तरफ है यानी AZ कैप, इसका नीचे की तरफ है माइनस AZ कैप। फोर्स कैसे निकालते हैं, DL क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड है AY, तो AZ क्रॉस AY, AZ क्रॉस AY माने AX, AX का मतलब है बाहर की तरफ, ठीक है, सॉरी माइनस ए एक्स, ए जेड क्रॉस ए वाई माइनस ए एक्स, तो अंदर की तरफ। फिर माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई, माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई
यानी बाहर की तरफ, ये हो गया ए एक्स और ये हो गया माइनस एक्स। बस मैंने करंट की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, देखो पहले मेरी कॉइल ऐसे थी, ये वाला हिस्सा था ए बी, ये वाला हिस्सा था सी डी, ये कॉइल ऐसे घूमना चाह रही थी, ऐसे यानी ए बी आगे आने की तरफ कोशिश कर रहा था, सी डी पीछे जाने की। अब ये 180 डिग्री घूम गई, ठीक है, ऐसे थी ऐसे घूम गई। अब ये हिस्सा सी डी है, ये ए बी, अब सी डी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और ए बी बाहर आने की, ए बी बाहर सी डी अंदर, तो ऐसे घूम गई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा रोटेशन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर पहले ये क्लॉकवाइज घूमना चाह रही थी, अब ये हिस्सा अंदर जाना चाहता है और ये हिस्सा बाहर आना चाहता है, तो रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं घूम रही है, देखो दोबारा समझो, ए बी पहले बाहर आना चाहता है, ये ए बी है और थंब वाला है सी डी, ए बी बाहर आना चाह रहा था, सी डी अंदर, तो ये ऐसे घूम गई। अब सी डी इधर है, ये अंदर जाना चाह रहा है, ए बी फिर बाहर आना चाह रहा है, तो ऐसे घूम गई, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। जबकि कंप्लीट रोटेशन कैसे होता, अगर ऐसे थी तो ऐसे आके पूरा दोबारा ऐसे घूमता, जबकि इसने घूमा कैसे, इस तरीके से, तो ये वाइब्रेट करती रहेगी, ये कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं दे पाएगी। तो इसमें लिखना, इफ स्लिप रिंग्स आर यूज्ड, इफ स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन केस ऑफ डीसी मोटर, इफ स्लिप रिंग्स आर यूज्ड इन केस ऑफ डीसी मोटर, देन करेंट फ्रॉम द सोर्स, देन करेंट फ्रॉम द सोर्स लाइज इन द सेम डायरेक्शन, करेंट फ्रॉम द सोर्स लाइज इन द सेम डायरेक्शन, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच करेंट इन ईच कंडक्टर, ड्यू टू विच करेंट इन ईच कंडक्टर डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, करेंट इन ईच कंडक्टर डज नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, बट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, बट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल द पोल अंडर विच, द पोल अंडर विच ईच कंडक्टर लाइज, द पोल अंडर विच ईच कंडक्टर लाइज रिवर्सेस, रिवर्सेस विच ऑल्सो रिवर्सेस द, विच ऑल्सो रिवर्सेस द फोर्स और टॉर्क, विच ऑल्सो रिवर्सेस द फोर्स और टॉर्क, ठीक है भाई। अब इसका क्या मतलब है कि जो करंट है, देखो ए बी में पहले भी करंट डाउनवर्ड था, ए बी में अभी भी करंट डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन नहीं बदली, लेकिन पहले ए बी नॉर्थ पोल के नीचे था और अब ए बी साउथ पोल के नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पोल तो बदल रहा है, करंट डायरेक्शन सेम है, इसीलिए टॉर्क रिवर्स हो जा रहा है, एक बार अगर क्लॉकवाइज है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज। बात मेरी समझ आ रही है, हर कंडक्टर का करंट का डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, बट पहले वो नॉर्थ में था तो अब साउथ में, पहले साउथ में था तो अब नॉर्थ में, उसका पोल बदल गया बट करंट सेम डायरेक्शन में है, जिस कारण से उसका टॉर्क रिवर्स हो रहा है। अब दो चीजें कर सकते हो अगर टॉर्क सेम डायरेक्शन में रखना है, अगर करंट की डायरेक्शन फिक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहे, या दूसरा अगर मैग्नेटिक फील्ड का पोल बदलना है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, तो साथ साथ करंट भी रिवर्स हो, या तो दोनों रिवर्स हो तब भी टॉर्क सेम में आएगा, या दोनों ही सेम रहे। अभी हो क्या रहा है कि पोल तो बदल रहा है, पहले ए बी नॉर्थ के नीचे था, अब ए बी साउथ के पास है, सी डी पहले साउथ में था, अब सी डी कहां आ गया, नॉर्थ में, पोल बदल रहा है बट करंट सेम है। तो ये वाला पॉइंट लिखो, टू मेंटेन सेम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टू मेंटेन सेम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आइदर द करेंट, आइदर द करेंट इन अ कंडक्टर, आइदर द करेंट इन अ कंडक्टर एंड पोल अंडर विच इट लाइज, एंड पोल अंडर विच इट लाइज बोथ शुड रिवर्स, बोथ शुड रिवर्स और बोथ शुड बी सेम, बोथ शुड रिवर्स और बोथ शुड बी सेम, या तो दोनों रिवर्स हो या फिर दोनों ही सेम रहे। मेरी बात क्लियर हुई? अब इसीलिए हम आते हैं कि डीसी मोटर में अगर कम्यूटेटर लगा दिया जाए,
ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि डीसी मोटर विद कम्यूटेटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे का पूरा सिस्टम था स्लिप रिंग वाला, इसको हटा के मैं यहां पे एक स्प्लिट रिंग लेता हूं। मैंने बताया था ना एक ही रिंग होती है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये मान लो ये वन है और ये टू है, ये ब्रश बी वन हो गया और इधर ब्रश आ गया बी टू। अब देखो हमने ऐसे ही दिखाई थी ना बैटरी, अब देखो यहां से करंट निकलेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी बी टू से एंटर बी वन से लीव, ठीक है। बी टू से एंटर कर रहा है तो ये करंट ऊपर की तरफ गया, बी वन से लीव कर रहा है तो करंट नीचे की तरफ गया। मैं फोर्स हटा देता हूं यहां से, ठीक है भाई। ये मैं फिगर को मॉडिफाई कर रहा हूं। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये जो करंट है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर माने एजेड कैप, ये करंट नीचे की तरफ जा रहा है यानी माइनस एजेड कैप। फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आई डीएल क्रॉस बी, और डीएल की डायरेक्शन करंट वाली डायरेक्शन है, यानी यहां एजेड क्रॉस ए वाई, एजेड क्रॉस ए वाई क्या होगा भाई, माइनस ए एक्स अंदर की तरफ, माइनस एजेड क्रॉस ए वाई यानी ए एक्स यानी बाहर की तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी वाला हिस्सा है, ए बी यानी जो हमारा ये वाला पॉइंट है ए बी, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, सी डी बाहर आने की, इसका मतलब है ये कॉइल ऐसे घूमना चाह रही है, तो हमने इसको बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम पे आ जाओ, जब 180 डिग्री बाद के बारे में बात की जा रही है, अब जब कंडक्टर 180 डिग्री घूम गए हैं तो इनसे जुड़ी रिंग भी 180 डिग्री घूम गई होगी, यानी रिंग में पहले टू लेफ्ट में था, वन लेफ्ट में होगा और टू राइट में, लेकिन ब्रश रहते हैं भाई स्टेशनरी, ब्रश रिंग से जुड़े नहीं होते हैं, सिर्फ टच होते हैं। ऐसा मत सोचना कि रिंग से परमानेंट इसको तुमने चिपका दिया है या जॉइंट है, ठीक है भाई। अब देखो यहां से करंट निकला आई, बी टू से एंटर बी वन से लीव, बी टू से एंटर तो सीडी में ऊपर गया और ए बी में नीचे आ गया, यानी करंट ऊपर गया तो ए जेड कैप, नीचे आया तो माइनस ए जेड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो नॉर्थ से साउथ है, यानी ए वाई कैप में चल रही है। पहला देखो ए जेड क्रॉस ए वाई यानी माइनस ए एक्स अंदर की तरफ, माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई, माइनस ए जेड क्रॉस ए वाई यानी ए एक्स यानी बाहर की तरफ। अब इसका मतलब ये वाला कंडक्टर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और ये बाहर आने की, तो रोटेशन अभी भी कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। पहले भी कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब दोनों ही केसेस में कॉइल एक ही तरह से रोटेट करेगी, दैट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब इससे देखो हुआ क्या कि पहले ए बी नॉर्थ पोल में था, अब ए बी किसमें, साउथ में, लेकिन ए बी में पहले करंट अपवर्ड्स था, अब ए बी में करंट कैसे है, डाउनवर्ड, यानी जब तुमने पोल चेंज किया जिसके अंदर कंडक्टर लाई करता है तो साथ साथ उसका करंट भी रिवर्स कर दिया। तो इसमें लिखना ड्यू टू कम्यूटेटर व्हेन अ कंडक्टर, ड्यू टू कम्यूटेटर व्हेन अ कंडक्टर चेंजेस द पोल, व्हेन अ कंडक्टर changes the pole under which it lies, changes the pole under which it lies, the current in the conductor also reverses resulting in unidirectional torque, ठीक है।
टॉर्क सेम ही डायरेक्शन में बनेगा। बात क्लियर हुई? तो ऐसा कह सकते हो, देखो सोर्स से तो करंट लेफ्ट में जा रहा था, लेफ्ट में ही जा रहा है, लेकिन रिवर्स किस में हो गया? कंडक्टर में। तो सोर्स का करंट अगर डीसी है तो कंडक्टर का करंट कैसा बन गया? एसी। तो तुम ये भी तो कह सकते हो मोटर में कम्यूटेटर डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सोर्स से जो करंट है वो रिवर्स नहीं हुआ, बट स्टिल करंट इन एनी कंडक्टर रिवर्सेस। तो ये भी पॉइंट लिख लो, इन अ डीसी मोटर, इन अ डीसी मोटर द सोर्स करंट इज डीसी, इन अ डीसी मोटर द सोर्स करंट इज डीसी बट करंट इन ईच कंडक्टर, बट करंट इन ईच कंडक्टर इज एसी, इज एसी, सो कम्यूटेटर परफॉर्म्स, सो कम्यूटेटर परफॉर्म्स डीसी टू एसी कन्वर्जन, कम्यूटेटर परफॉर्म्स डीसी टू एसी कन्वर्जन इन डीसी टू एसी कन्वर्जन इन डीसी मोटर, इन डीसी मोटर। ठीक है भाई? तो देखो कम्यूटेटर क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर में वोल्टेज को एसी से डीसी ले जा रहा है और डीसी मोटर में करंट को ले जा रहा है डीसी से एसी। तो कम्यूटेटर ही ये एसी डीसी या डीसी एसी कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वरना कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला करंट भी एसी है, कंडक्टर में बनने वाली वोल्टेज भी कैसी है? एसी, बट बाहर जो क्वांटिटी है दैट इज डीसी। तो ये एसी और डीसी को रिलेट कौन कर रहा है? हमारा एक कम्यूटेटर। ठीक है ना? तो अब बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ। तो देखो जब मैं बात करता हूं मशीन्स की, रोटेटिंग मशीन की, तो यहां दो चीजों पे बेसिक पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जनरेटर के अंदर इंड्यूस्ड डीएमएफ के बारे में बात करना जरूरी है, जो कि आता है वी क्रॉस बी से। ऐसे ही मोटर के अंदर टॉर्क या फोर्स के बारे में बात करना जरूरी है, जो आता है आई डी एल क्रॉस बी से। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, मोटर में ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है? टॉर्क। जनरेटर में ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है? ईएमएफ। ठीक है? तो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल अब हमें क्लियर होना चाहिए। एसी जनरेटर में क्या होता है? स्लिप रिंग लगती है और आउटपुट कैसा मिलता है? एसी। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग की जगह कम्यूटेटर लगा देते हैं, आउटपुट मिलता है डीसी। अगर कोई पूछे भाई डीसी मोटर में स्लिप रिंग लगाने से क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? कि मोटर वाइब्रेट करती रह जाएगी, कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं दे पाएगी। और कम्यूटेटर लगाने से क्या होगा? कि टॉर्क यूनिडायरेक्शनल बनेगा और मोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है? ये मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन्स। अभी तो हमने बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात की है, बहुत सिंपल मशीन लेकर के। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली जो मशीन यूज होती है, एग्जैक्ट डिजाइन किस टाइप से किया जाता है, उसके हर पार्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं भाई, कि डीसी मशीन का एग्जैक्ट डायग्राम कैसा होगा। ठीक है? तो चाहो तो जिन लोगों के पास कंपास है ना, तो एक सर्कल कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो, ज्यादा परफेक्ट बना पाओगे। मेरा डायग्राम तुम लोगों के मुकाबले थोड़ा रफ रहेगा। ठीक है? डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करते चलना, ज्यादा इजी रहेगा। तो पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लो। मशीन जो होती है ना वो सिलेंड्रिकल होती है, तो मैं तुम्हें फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। इसके पीछे सिलेंडर की तरह लंबा सा एक्सटेंडेड है। अब ये जो तीसरा सर्कल मैं बना रहा हूं ना, इसको भले ही पेंसिल में ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इसका बहुत हिस्सा मैं रब करने वाला हूं।
ठीक है, इस टाइप से बन जाएंगे कि मैंने पोल्स दिखा दिए तुम्हें, इस टाइप से ये मेरे पोल्स बन गए, चार पोल्स की मैंने मशीन ले ली, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये चार पोल बनने के बाद बीच में रहेगा हमारा रोटर, तो बीच में ऐसे एक डॉटेड सर्कल और बना लेना। ये डॉटेड सर्कल में वाइंडिंग के लिए ना स्लॉट्स दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एकदम सॉलिड सर्कल बना लो, ये स्लॉट्स देने पड़ते हैं जिसके अंदर की कॉइल रखोगे। कॉइल कभी भी जो है ना स्मूथ सिलेंडर पे नहीं रखी जाती है, उसके अंदर हमेशा स्लॉट होते हैं। स्लॉट का बेसिक सा पर्पस भी सोचो यार, जब तुम वाइंडिंग वाउंड करने वाले हो तो कॉइल के लिए जगह तो छोड़ोगे, वरना कॉइल अटकेगी कैसे सिस्टम के अंदर। अगर एक सिंपल से स्मूथ सिलेंडर पे कोई वायर बांधोगे ना तो वो वायर टिकेगी नहीं, तो उसे सपोर्ट देना पड़ता है दोनों तरफ से, उसके लिए स्लॉट्स बनाए जाते हैं ताकि वो वायर मूव ना करे, ठीक है। ये स्लॉट्स बन जाएंगे अंदर, यहां पे ऐसे ये शो कर देना शाफ्ट। अब देखो क्या होता है, ये जो स्टेटर है इस पे मैंने चार पोल बनाए ना, तो चार पोल देखो ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो ये जो पोल्स क्रिएट हुए हैं ये करंट की वजह से हुए होंगे, वो करंट हमें दिखाना पड़ेगा। करंट दिखाने के लिए क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर आनी चाहिए। नॉर्थ से बाहर का मतलब है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स कब आएगी, जब करंट लेफ्ट से अंदर जाए और राइट से बाहर आए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी ना डाउनवर्ड्स, लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर, तो करंट लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर, ठीक है। देख लो चाहे तो करंट को, लेफ्ट से अंदर गया राइट से बाहर गया तो डाउनवर्ड्स। अब ये साउथ है, साउथ में अंदर आती है, अंदर माने लेफ्ट। लेफ्ट कब जाएगी, जब ऊपर से करंट अंदर जाए और नीचे से बाहर आए, ऊपर से अंदर नीचे से बाहर। ये ऊपर से अंदर गया और नीचे से ये बाहर आ गया। फिर नॉर्थ पोल, नॉर्थ में बाहर जानी चाहिए यानी कि अपवर्ड्स, अपवर्ड्स जाएगी तो राइट से अंदर लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से बाहर और राइट से अंदर, ठीक है। अगला साउथ, साउथ में फिर से अंदर जानी चाहिए यानी कि ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर। ये हमने करंट दिखा दिया, परमानेंट मैग्नेट होते तो ये करंट दिखाने की जरूरत नहीं थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो करंट दिखाना पड़ेगा। अब मैं मशीन के पार्ट्स को नेम कर रहा हूं, ये जो पार्ट होता है ये सबसे पहला पार्ट, दैट इज योक, ठीक है। अब ये जो है ब्लू में जो मैंने आउटवर्ड वाले पीस दिखाए हैं, इसको बोलते हैं टीथ, और ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं स्लॉट्स, ठीक है। जो उभरा हुआ पोर्शन है बाहर निकलेगा वो टीथ, और जो अंदर रह गया वो स्लॉट, ठीक है। ये जो डॉट क्रॉस दिखा रहा हूं इसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली वाइंडिंग, दैट इज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाता है मशीन का बेस, जिसपे मशीन टिकी है, जो कि मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। ये हो जाता है फील्ड मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, पोल कोर और पोल शू। शू ये होता है जो नीचे का फैला हुआ पोर्शन है ना, इसको शू बोल देते हैं। तो पोल कोर यानी इसपे वाइंडिंग लपेटी गई है, और शू माने जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्प्रेड कराएगा, ठीक है। और यहां पे अंदर एक आयरन का स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्पाइडर। स्पाइडर एक आयरन का स्ट्रक्चर होता है जो कि आर्मेचर में या रोटर के अंदर पाया जाता है, और यह आर्मेचर का भी जो बल्क वाला पोर्शन है इसको बोल देते हैं आर्मेचर कोर, ठीक है। इसको अक्सर लैमिनेटेड रखा जाता है, लैमिनेशन क्यों करते हैं, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस। मेरी बात क्लियर है, तो मशीन के पार्ट्स क्लियर है कि डीसी मशीन दिखती कैसी है। स्टेटर पे हमारे पोल्स होते हैं, दो चार छह आठ जितने भी पोल लो, लेकिन लेना इवन है,
उसके बीच में रोटर होता है जिसपे की आर्मेचर वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। मैंने आर्मेचर वाइंडिंग दिखाई नहीं है, दिखाना चाहो तो ऐसे सर्कल बना सकते हो, ये जितने भी स्लॉट्स है ना इनके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग प्रेजेंट रहेगी। और ये आर्मेचर वाइंडिंग किससे जुड़ती है? कम्यूटेटर से। मैंने दिखाया था ना वर्किंग प्रिंसिपल में कि जो भी कॉइल होती है वो कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। तो ये जो सर्कल आएगा दैट इज योर आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग को रखा कहाँ गया है? स्लॉट के अंदर। ये कंफ्यूज मत हो जाना, आर्मेचर वाइंडिंग क्या है और स्लॉट क्या है। वाइंडिंग है वो जो कॉइल हम लोग दिखा रहे थे अभी तक वर्किंग प्रिंसिपल में, और स्लॉट है वो कॉइल का कंडक्टर जहां से पास हो रहा है, दैट इज योर स्लॉट। ठीक है, तो एग्जैक्ट डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होता है। इसके अंदर मैंने तुम्हें कम्यूटेटर शो नहीं किया है, बट वो सभी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। वन बाय वन हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। तो पहला पार्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, फर्स्ट वन इज योर योक। ठीक है, अगर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है तो पहले वीडियो पॉज करके डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके बाद तुम आगे पढ़ सकते हो। अब देखो योक के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले मैं दो पोल का एग्जाम्पल लेता हूं कि होता क्या है। दो पोल के अंदर क्या होगा, एक छोटा सा स्टेटर बना लेता हूं, अभी रोटर के बारे में बात नहीं कर रहा, कि मान लो ये अपने यहां पे दो पोल्स आ गए, एक तो नॉर्थ और एक साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट में, मैग्नेट के बाहर जाती है नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर घूम के जाती है साउथ से नॉर्थ। ऐसी मैग्नेट में जाती है नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड के पास ना दो रास्ते हैं, क्लोज लूप राइट से भी कंप्लीट कर सकती है और लेफ्ट से भी। यानी अगर ये टोटल लाइंस फाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आधी लाइन लेफ्ट में जाएंगी और आधी राइट में, तो कितना फ्लक्स गया यहां, फाई बाय टू, और इधर भी कितना गया, फाई बाय टू। तो योग के अंदर ना कभी भी फ्लक्स फाई नहीं जाता, योग के अंदर टोटल फ्लक्स का हमेशा हाफ जाता है, दैट इज फाई बाय टू। ऐसे ही देखो अगर चार पोल की मशीन ले लें, जैसा मैंने यहां डायग्राम बनाया भी है, इसमें चार पोल है ना, अगर चार पोल की मशीन डिजाइन कर ली जाए तब क्या होगा, मैं यहां चार पोल दिखा देता हूं, ये दिखा दिया। कैसे होते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकली, घूम के साउथ से अपना रास्ता कंप्लीट कर लिया, ऐसे चली गई। ठीक है, फिर ऐसे ही इस वाले नॉर्थ से निकली, घूम के रास्ता साउथ से कंप्लीट कर लिया, फिर ऐसे ही नॉर्थ से निकली, घूम के रास्ता साउथ से कंप्लीट कर लिया, फिर ऐसे ही इस वाले नॉर्थ से निकली, रास्ता साउथ से कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें हर पोल के नीचे दो लाइन मैंने दिखाई है, नॉर्थ से दो लाइन निकल रही है, साउथ में दो लाइन एंटर, नॉर्थ से दो लीव, साउथ से दो एंटर, लेकिन योक में एक एक लाइन है। तो मैं कह रहा हूं अगर एक पोल के नीचे का फ्लक्स फाई है, यानी दो लाइन अगर फाई को रिप्रेजेंट करती हैं, तो योक में एक ही लाइन गई, दैट इज फाई बाय टू। ठीक है, और यहां फाई क्या है, फाई है एक पोल के नीचे की फ्लक्स, इसीलिए बोल देते हैं फ्लक्स पर पोल। अगर एक पोल के नीचे देखोगे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, जबकि योक में एक ही जा रही है, दैट मीन्स फाई बाय टू। तो इसका क्या मतलब हुआ, योक का प्राइमरी पर्पस क्या हुआ, योक मैग्नेटिक फील्ड के पाथ को क्लोज करवाता है, जो भी पोल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा उसका क्लोज लूप कहां से पूरा होता है, योक से। तो इसमें लिखना, योक के अंदर लिखो, इन स्मॉल मशीन्स योक इज जनरली मेड ऑफ, इन स्मॉल मशीन योक इज जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन
cast iron and in large machines it is made of silicon steel or fabricated steel. क्योंकि सिलिकॉन स्टील में हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं, बट मैंने बोला था रोटेटिंग मशीन में सीआरजीओ का यूज नहीं करते, क्योंकि सर्कुलर पैटर्न में जब मैग्नेटिक फील्ड है तो एक डायरेक्शन की परमिएबिलिटी बढ़ने से बेनिफिट नहीं मिल पाता है, इसलिए सीआरजीओ इज नॉट यूज्ड इन रोटेटिंग मशीन, इट इज ओनली यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो मैंने ये बताया किस मटीरियल से बनता है. अब अगला पॉइंट लिखना, There is no need to laminate the yoke because the flux in DC machine is stationary and hence no eddy currents are produced. इसका मतलब क्या हुआ, देखो एडी करंट कब बनते हैं, जब फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, लेकिन डीसी मशीन में स्टेटर का जो फ्लक्स है या जो योक में फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड इफ इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम देन नो एडी करंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है ना वो आर्मेचर में या रोटर में होता है, जब डीसी मशीन की बात करें आगे आएंगे उस पर भी, तो आर्मेचर या रोटर के अंदर होता है, स्टेटर के अंदर नहीं होता, इसलिए स्टेटर को लैमिनेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मैंने आर्मेचर में बताया था आर्मेचर कैसा है, लैमिनेटेड. ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि लैमिनेट कभी भी योक को मत करना डीसी मशीन के, क्योंकि इसका फ्लक्स जो है कांस्टेंट है. अब रिक्वायरमेंट्स लिखो, योक की रिक्वायरमेंट हाई परमिएबिलिटी, लो रिलक्टेंस, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि मशीन का ना बाहर का पूरा कवरिंग वो योक है, मशीन को जो पावर दे रहा है या ये कह दो कि मशीन को जो स्ट्रेंथ दे रहा है दैट इज योर योक, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना जरूरी है, मशीन का पूरा सपोर्ट है. अब फंक्शंस लिखो, फंक्शंस क्या होंगे योक के, पहला लिखना इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द एंटायर मशीन. अगला प्रोटेक्ट द एंटायर मशीन. इंपॉर्टेंट करके लिखना इट कैरीज हाफ ऑफ द फ्लक्स पर पोल एंड प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ for completing closed loop of flux. अब देखो क्या होता है ना, जब हम EMF और टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो वहां phi का फैक्टर आएगा, उन फॉर्मूले में phi आता है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लो मैं क्वेश्चन में तुम्हें phi ना देके मैं ये कह दूं योग का फ्लक्स है 2 mW, तो तुम ये चीज जान जाना योग का फ्लक्स फाई नहीं होता, क्या होता है फाई बाय टू, अगर वो फाई बाय टू है तो फाई उसका डबल होगा, यानी कि फाई कितना लेना पड़ेगा 4 mW. तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का एक इजी तरीका है, ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर फाई गिवन होता है, लेकिन मैं तुम्हें फाई ना देके क्या दे दूंगा योग का फ्लक्स जो तुम्हें पहचानना होगा दैट इज फाई बाय टू. इसीलिए हमेशा ये ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है योक में कुछ भी याद रहे ना रहे ये याद रहना चाहिए इट कैरीज हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स. ठीक है, तो देखो योक का फंक्शन हमने डिस्कस किया, अब योक के आगे जो बाकी के पार्ट्स हैं डीसी मशीन के वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो अगली वीडियो में मैं जो शुरू करूंगा मैं फील्ड मैग्नेट से शुरू करूंगा, पोल कोर पोल शू ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि पोल शू की शेप क्या होती है, उसकी शेप से असर क्या पड़ता है, तो मशीन की परफॉर्मेंस किस तरह से पोल पे डिपेंड करती है, इस पे हम लोग सब बातें करेंगे. ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करके रखना क्योंकि इसके अंदर सारे पार्ट्स मार्क्ड हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है ना, तो अभी तक हमने वर्किंग प्रिंसिपल कवर कर लिया एसी और डीसी मशीन का, और साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन पे आ गए हैं,
तो अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा मशीन के कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स को पूरा डिटेल में समझने में. इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट याद रखा जाएगा दैट इज योक कैरीज हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स या हाफ ऑफ द फ्लक्स पर पोल. ठीक है, तो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.